अंतरिक्ष हमेशा से इंसान को अपनी ओर खींचता रहा है। रात में खासकर अंतरिक्ष रहस्यों से भरी एक नई दुनिया सा लगता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप मानते हैं कि इंसान बिना किसी तकनीक के सिर्फ तारे, टूटते तारों, चंद्रमा और सूरज को ही देख सकते हैं तो आप गलत हैं। आप दूसरे ग्रहों को भी बिना टेलीस्कोप, साधारण आंखों से देख सकते हैं। 9 ग्रहों में से 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें धरती से अपनी आंखों से देखा जा सकता है। इन ग्रहों में बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति शामिल हैं। क्योंकि ग्रह खुद कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें सूरज की रोशनी, खास जगहों और विशेष कोण से ही देखा जा सकता है। हर ग्रह खास परिस्थितियों में देखे जा सकता है। पुराने ग्रीक किस्सों के मुताबिक इन ग्रहों को देखना संभव है, लेकिन एक वक्त में नहीं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलने वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चों के मुताबिक इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। धरती से दिखने वाले 5 ग्रहों में शुक्र ऐसा है जो आमतौर पर सबसे आसानी से देखा जा सकता है। साल में जून को छोड़कर सभी महीनों में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं क्योंकि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आम तारों से इसकी चमक सबसे ज्यादा होती है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। ये सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। ऐसा माना जाता है कि टेलीस्कोप की बजाय इसे साधारण आंखों से देखना बेहतर होता है। जब मंगल धरती के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तुओं में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखता है। गर्मियों के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीनों के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।